नमस्कार दोस्तों, ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड इसके क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं। और देखिए, ये जो ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड है दोस्तों, ये पिछले काफ़ी समय से एक बड़ी दबाव के चीज़ों से गुजर रहा है। और सिर्फ ओरिएंट इलेक्ट्रिक स्टॉक ही नहीं, पूरे का पूरा FMEG, जी हाँ FMCG नहीं, FMEG जो पूरा सेक्टर है वो बड़े दबाव में है। तो इस बार हमको ये देखना रहेगा कि क्या जो एक लगातार दबाव का पूरा आप कह सकते हैं इशू चल रहा है इस पूरी सेक्टर में, क्या इस बार इस कंपनी से कुछ अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। देखिए, इसमें जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है उसको भी चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज़्यादा लंबी ये होगी नहीं दोस्तों। तो सीधा चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए, अच्छी चीज़ क्या है कि भाई नंबर्स करोड़ों में है तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले प्योर बिजनेस, प्योर धंधे की बात करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 705 करोड़ रुपये का रहा है दोस्तों, जो पिछले क्वार्टर में 657.91 करोड़ था और एक साल पहले 621 करोड़। यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर मुझे लगता है एक अच्छी बढ़ोतरी है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखेंगे तो एक ठीक ठाक सा जंप आपको देखने को मिलेगा। बात करें अदर इनकम की, 2.86 करोड़ है जो पिछले क्वार्टर में 6.34 करोड़ थी और एक साल पहले ये 5.19 करोड़ थी। और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी ना दोस्तों, वो है 708.49 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में 664 करोड़ थी और एक साल पहले 626.82 करोड़ रुपीस थी दोस्तों। ठीक है, ये है टोटल इनकम। यानी कि अगर आप मात्र रेवेन्यू देखेंगे तो एक आप कह सकते हैं जंप, एक आप कह सकते हैं स्लाइटली इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या खर्चों ने तमाम जो तेजी उसे खत्म तो नहीं कर दिया? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल देखेंगे और कंपोनेंट उनका 283 करोड़ का रहा है जो पिछले क्वार्टर में 202 करोड़ था, यानी एक बहुत बड़ा जंप है। लेकिन भाई आपका बिजनेस बढ़ा है, एक साल पहले 228 करोड़ था, वहाँ से जंप होकर के 283 करोड़ हो गया है। तो भाई ईयर ऑन ईयर तो आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा चमका है। ठीक है, लेकिन इसका असली असर हमको इन्वेंट्रीज में समझ में आएगा। 60.98 जिसको आप 61 करोड़ कह सकते हैं, 61 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री हुई है जो पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ की नेगेटिव इन्वेंट्री थी और एक साल पहले ये लगभग 20 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री थी। ठीक है, अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखते हैं, 67.10 आ गई है जो एक साल एक क्वार्टर पहले मात्र 45 करोड़ थी और एक साल पहले 46.79 करोड़ थी। इसने पूरा मामला बिगाड़ दिया दोस्तों खर्चों का। बात करें अदर एक्सपेंसेस की तो इस बार 105 करोड़ का रहा है जो पिछले क्वार्टर में मात्र 94.99, जिसे आप 95 करोड़ कह सकते हैं, और एक साल पहले 87.89 करोड़ थी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जो खर्चे हैं ना वो तो कंपनी के आप कह सकते हैं थोड़े बड़े स्तरों पर आए हैं और इसका असर आपको प्रॉफिट में ज़रूर देखने को मिलेगा। बट जब हम टोटल एक्सपेंस देख लेंगे दोस्तों तो ये 681.89 यानी 682 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में 631 करोड़ था, यानी कि जो क्वार्टर क्वार्टर है इसमें जंप है, और एक साल पहले ये 601 करोड़ रुपए थे दोस्तों। और अब टैक्स के पहले प्रॉफिट देखेंगे तो ये 26.60 करोड़ है जो पिछले क्वार्टर में 32.84 करोड़ था और एक साल पहले 25.39। तो ईयर ऑन ईयर फ्लैट नंबर है, क्वार्टर क्वार्टर फिर एक बड़ी गिरावट है दोस्तों। ठीक है, और जब हम देखते हैं क्या दोस्तों कंपनी का टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या लॉस फॉर द पीरियड, तो ये निकल के आया है आप कह सकते हैं 19.71 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में 25.42 करोड़ था और एक साल पहले 18.85। यानी कि ईयर ऑन ईयर फ्लैट नंबर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप कह सकते हैं एक बड़ी गिरावट आपको यहाँ देखने को मिल रही है दोस्तों। और यही कारण है कि EPS में भी डायलूटेड 1.16 से घट के ये 0.92 आ गई, यानी एक रुपये से भी नीचे, और एक साल भले ये 0.89 थी और अब 0.92 हो गई है। यानी कि साफ में आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं भाई सेगमेंट वाइज कहाँ है, कहाँ पे कमजोरी रही, कहाँ पे पॉजिटिविटी रही। तो देखिए, सबसे पहला इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यहाँ पे अभी भी लगातार मजबूती बनी हुई है दोस्तों। 457 करोड़ से बढ़ के 5.25 करोड़ रुपए हो गई है। ठीक है, और एक साल पहले 445 करोड़ थी, वो अब बढ़ करके 5.25 करोड़, यानी जो बिजनेस है धंधा है वो अच्छा चल रहा है। बात करें लाइटिंग और स्विच गियर की तो इस बार 190.690 करोड़ का है जो पिछले दौरान 200 करोड़ था और यहाँ बढ़ के 176 करोड़ है। ठीक है, लेकिन अगर आपका धंधा हुआ है तो ज़रा ना एक बार सेगमेंट रिजल्ट देख लेते हैं इन रेवेन्यू प्रोस्पेक्टस। तो देखिए, जहां आपके धंधे में 457 करोड़ का हुआ है और उस समय आपने 44 करोड़ कमाए थे और आपका धंधा 5.25 करोड़ हो गया है, आप मात्र 49.15 करोड़ कमाए हैं। ठीक है, और यही असर लाइटिंग स्विच गियर में, देखिए
इससे पहले मैंने जब आप एक वीडियो बनाया था दोस्तों, मैंने कहा था ये जो लाइटिंग सेगमेंट है ये बड़ा कमज़ोर चल रहा है, यहाँ पे मार्जिन लगातार वीक हो रहे हैं और यही असर लाइटिंग स्विच गियर में है। आपने 200 करोड़ का धंधा करके 39.08 करोड़ कमाया और मात्र आपकी जो गिरावट है 5% हुई धंधे में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात कर रहा हूँ मैं, और आपका बिजनेस 39.08 करोड़ से सीधा 30 करोड़ आ गया है। बड़ी गिरावट है, मोर देन 20-25% ज़्यादा की गिरावट है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है कि लाइटिंग स्विच गियर में मार्जिन का बड़ा इशू हुआ है, ठीक है। और यही कारण है दोस्तों ओरिएंट इलेक्ट्रिक में, मैंने जब आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये चर्चा मैंने ओरिएंट इलेक्ट्रिक के ऊपर अपने आप कह सकते हैं सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के मेंबर के साथ की थी, लेकिन मैंने कहा था ये वीक सेक्शन है, आराम से एक्यूमुलेट करें। 230 से एक बार स्टॉक ऊपर भी भाग गया था थोड़ा सा आप कह सकते हैं 10-15%, बट अब वापस से 230 के आसपास है जहाँ पे मैंने स्टॉक के ऊपर चर्चा की थी। मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों अगर किसी कारणवश इस स्टॉक में गिरावट होती है, 200 के आपको नीचे मिलता है, तो मुझे लगता है दोस्तों ओरिएंट इलेक्ट्रिक खास करके बटरफ्लाई जो इसकी एक सब्सिडरी दोस्तों, उसके नंबर देखने के बाद मुझे लग रहे हैं कि चीज़ें यहाँ से अच्छी होती दिखाई देंगी और यहाँ से मुझे लगता है डाउनसाइड कुछ बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलना चाहिए मेरे को, या खास करके रिजल्ट की तरफ से दोस्तों। लेकिन भैया आज बाज़ार वीक है तो इसका असर शायद देखने को मिले, और मुझे रिजल्ट ख़राब नहीं लगे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस, क्योंकि स्टॉक प्राइस तमाम चीज़ें ऑलरेडी प्राइसिंग काफ़ी हद तक कर चुका है दोस्तों, ठीक है। तो बाकी देखना ये होगा किस तरह की चीज़ें रही हैं, बट वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद।